जे तू ना फड़दा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। इस मंदिर में जितने भी देवी देवता, गुरु जी, उन सब की सूक्ष्म तरंगों को मेरा शत शत नमन। गुरु जी की संगत को मेरा शत शत नमन। संगत जी, मेरे शरीर की उम्र 64 इयर्स है, पर मेरी उम्र सिर्फ अभी 25 दिन है। मैं शायद इस हॉल में बैठे हर बच्चे से छोटी हूं। गुरु जी का मेरे साथ संपर्क संबंध 20 अक्टूबर 2021 को हुआ। मेरी बेटी का जन्मदिन है इस दिन, और मैं हमेशा से ही सुबह उठ के नहा धो के देख प्रसाद बनाया। मेरे घर में इंडिया में भी गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी मौजूद हैं, बल्कि मैं ही उनके घर में रहती हूँ। और यहाँ पे मुझे गुरु ग्रंथ साहब तो नहीं मिले, पर मुझे दो पोथियां मिल गई, तो वो मेरी बेटी के घर में भी गुरु साहब विराजमान हैं। वहां पे जपजी साहब का पाठ करके बाबा जी को उसकी जिंदगी के लिए, खुशहाली के लिए, सेहत के लिए अरदास करके मैं नीचे आ गई, खाना वाना बनाने लगी। 21 तारीख को मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने ओहायो जाना था न्यू जर्सी से। तो जब मैं खाना पीना बना रही थी, तो ऐसे कोई भजन लगा लिया, किसी संत के वचन सुनने लग गई, तो बार बार गुरु जी की वीडियो यूट्यूब पे मेरे सामने आई जाए। दो तीन बार तो मैंने इग्नोर मारा, फिर मेरे मन में आया कि चलो सुनो सुनो तो सही क्या कहते हैं लोग यहाँ पे, कौन है। तो बाबा जी का, गुरु जी का जो सत्संग था, उसका एक एक शब्द ने मेरे दिल पे बहुत गहरा असर किया। फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मेरे ख्याल मैंने 10-12 यूट्यूब की सुन लिए सत्संग। फिर दोपहर को मैंने बेटी से बात करी, मैं कहा चेरी आज तो मुझे ना बहुत अच्छा एक लिंक मिल गया। तो मैंने जैसे इससे बात करी, तो ये कहती मामा मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड अभय बाबा जी के पास जाते हैं, पर हम नहीं गए कभी भी, क्योंकि वहां पे सारे ना आंटी अंकल कहते हैं। कहती मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मैं कहा तो बेटा ये तो अपने संतों की अपनी तरीका होता है कुछ भी कहने कहलवाने का। तो शाम को मैं ओहायो चली गई बेटे के पास, और मेरे सारा दिन, इवन जब मैं प्लेन में भी बैठी थी, तो वही सत्संग के विचार मेरे दिमाग में आई जाए। रात को 10-10:30 बजे जब पहुंचे, तो मैं अपना खाना पीना खा के सो गई। रात को कोई 1 बजे का टाइम होगा, मेरी आंख खुली, तो जैसे मेरी आंख खुलती है, मैं उसी टाइम थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, सतनाम वाहेगुरु कर लिया या मूल मंत्र कर लिया, कुछ भी जो उस टाइम इंस्टेंट आया दिमाग में, और थोड़ा सा करके मैं फिर सो गई। और जैसे मैं सोई, फिरोजी कपड़े थे, मैंने बाबा जी के उस टाइम दर्शन सिर्फ YouTube में जो फोटोग्राफ साथ साथ चलती हैं उनमें ही किए थे। तो यही गुरुजी फिरोजी रंग में आए कमरे में, और मुझे बहुत लंबे लगे, पतले बिल्कुल। और जहां पे मेरे गुरु साहब विराजमान थे, गुरु ग्रंथ साहब जी, वहां पे ही आके बैठ गए। और मैं जैसे सपने में उठ गई, और मैं सोच रही हूं
कि मैं अब इनको कहाँ बिठाऊं, कोई जगह ही नहीं है यहाँ बैठने की, यहाँ मैं बैठी हूँ। और मन में सोचती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ ने कोई कुर्सी भी नहीं रखी यहाँ पे। तो बाबा जी वही, गुरु जी वही विराजमान हो गए जहां पे गुरु ग्रंथ साहब थे एक साइड पे, और मैं सिर्फ उनको देख रही हूं बस। और देखते देखते ही वो फिर विलीन हो गए, और मेरी एकदम आंख खुली तो मैंने देखा ये मैंने क्या देख लिया। और फिर मैं सोचती रही, बैठी रही। अगले दिन फिर मैंने बेटी को फोन किया, मैं क्या मुझे ना इनके बारे में कुछ जानना है, तो तुम ना कोई इंतजाम करो, मुझे कुछ पता चले, मुझे अभय से बात कराओ मेरी। अभय ने फिर मेरे उसके कोई दोस्त थे यहाँ पे अश्विनी हांडा, उनसे बात करी। उन्होंने मेरे को लाइट ऑफ डिविनिटी, बाबा जी का स्वरूप और एक लेटर और एक सीडी भेजी, और कहते हमने पोस्ट कर दी है। और पोस्ट करी हुई चीज तो एक दो दिन लगेंगे ही, और मैं बारिश हो रही थी, मैं बार बार दो तीन बारी जाती लेटर बॉक्स को देखती, मैं कहा मेरी कोई चिट्ठी आई है। फिर वीरवार वाले दिन यानी थर्सडे को शाम को मेरा बेटा एक लिफाफा मुझे दे पकड़ा रहा है, और ये हांडा साहब ने भेजा था। और मैं उस टाइम के आपको अपने जज्बात बता नहीं सकती कि मुझे क्या मिल गया था। मैं उस लिफाफे को ही बार बार चूम रही थी कि अभी खोला नहीं मैंने उसको, और उसको देखते ही ना मेरी आंखों से मतलब रुक नहीं रहे थे मेरे आंसू। फिर मैंने खोला उसको, बाबा जी की बुक थी, गुरु जी की, दर्शन किए, फोटोग्राफ्स थी, बाबा जी के चरण थे, और उनको जाके अपने वहीं स्थापित किया, और बस शुक्राना ही करती रही। गुरु ग्रंथ साहब जी से मैं शुरू से ही जुड़ी हुई थी, चंडीगढ़ में रहती थी। मन में आया कि गुरु जी आपने मेरे को अमेरिका में आके मिलना था, मैं वहीं तो थी आपके पास। फिर मन में अपने आप ही ढारस दिया कि जब किसी पीर फकीर संत की इच्छा होती है, या हमारे कर्म अंकुरित हो चुके होते हैं अच्छे, तभी ये गुरु लोग हमारे ऊपर मेहर करते हैं। मेरा लड़का कहने लगा, मामा तू तो ना बाबा ही ढूंढती रहती है। मैं कहा बेटे जब तृष्णा खत्म हो जाएगी ना, जब कुछ मिल जाएगा तो बाबों की तलाश भी खत्म हो जाएगी। फिर हमने ओहायो में संगत के घर कीर्तन भी किया, फिर मैंने वो डिविनिटी ऑफ लाइफ तकरीबन मेरी खत्म होने वाली है, लोगों के सत्संग सुन के पढ़ के, मतलब कई बारी तो मेरा गला ही चोक हो जाता है। जैसे जैसे लोग बताते हैं कि हमारे साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं कि जैसे गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया, उनकी पदार्थ की जरूरतें, किसी को घर चाहिए, किसी को तंदुरुस्ती चाहिए, किसी का बच्चा नहीं पढ़ता, किसी की नौकरी है, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि गिना नहीं सकते। और गुरुजी का एक ही, मैं वो जो किताब भी पढ़ रही हूं तो मुझे एक ही उसमें चीज नजर आती है कि गुरुजी हमें पदार्थ से परमार्थ की ओर लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये जो वक्त मिला है, ये लिमिटेड है सभी के पास। कोई 100 साल जिएगा, कोई 120 साल जिएगा, पर शरीर है तो अल्टीमेटली नश्वर ही। तो गुरुजी सेवा करके, सिमरन करके, संगत करके, सभी को हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अपना लक्ष्य, अपना टारगेट देखो, तुम आए क्यों हो यहां पे। हम सारे इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने अपने इसी प्रोटोकॉल से एक पूरा परिवार स्थापित कर लिया। अमेरिका हो, इंडिया हो, सब जगह हम जानते हैं कि सारी सोसाइटीज इंडिविजुअलिस्टिक हैं, मैं, मेरा,
मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, हम सब इन चीजों में ग्रस्त हैं। सब अपने अपने अंदर मतलब झांक के देख लो। पर गुरुजी ने क्या किया, अब हम सब यहां 50, 100, 150 बंदा बैठा है, ये गुरुजी की अपार 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 कृपा है कि उन्होंने हमें एक मंच दे दिया जिसमें हम सब बैठ के हम विचार हो रहे हैं। मैं कल ही एक ओहायो की संगत से शाम को फोन कर रही थी, तो वो कहते जब हम शुरू शुरू में आए थे, बाबा जी से हमारा वास्ता नहीं था गुरुजी से, तो हमें लगता था भी हम अकेले हैं यहाँ पे। कहती अब लगता है सारा अमरीका ही अपना, कोई अमरीका का ऐसा शहर नहीं जहां पे गुरुजी की संगत नहीं है। कहती कोई दुख सुख हो एक को आवाज दो, 10 पूछते हैं हमारी आपको कोई मदद चाहिए। और यही कृष्ण भगवान ने कहा था वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है। गुरुजी की मुझे सबसे यही बात अच्छी लगी कि यही हमारे गुरु नानक देव जी ने पूरे 1430 पन्नों में भक्तों ने संतों ने यही बात कही है कि हम सब एक ही हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, हम दूसरे है ही नहीं। और हमारी काम क्रोध मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष से हम एक दूसरे से अलग हैं। तो मैं जैसे जैसे वो बुक पढ़ रही हूं, मुझे यही लग रहा है कि जैसे जैसे जो जो बात गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी है, गुरु जी ने वो प्रैक्टिकल करके दिखा दी। बिल्कुल जो संगत उस वक्त बाबा जी के गुरु जी के संपर्क में आई बहुत भाग्यशाली है, और हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी का वही दिया, दिए से दिए जलने की जो जो रिवाज बाबा जी ने डाला वो आज तक मौजूद है। और हम सब मिलके ना यही कोशिश करें, बड़े छोटे बच्चे जवान बूढ़े, कि बाबा गुरु जी जो चाहते थे कि सारा विश्व भी, सारे मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे बहन भाई हैं, हम भी ना ऐसा ही कुछ करें कि गुरु जी के जो गुरु जी चाहते थे वैसा कर सकें, वैसे बन सकें, तभी गुरु जी अपनी संगत से अपने बच्चों से खुश होंगे। गुरु जी हमारी सारी पदार्थ की जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, और हमें परमार्थ में चलने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। गुरु जी की महिमा तो संगत जी अपरंपार है, पढ़ते रहो सुनते रहो, ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादूगर अपनी जादूगरी दिखा रहा है, पर ये जादूगरी नहीं है। गुरु जी डिवाइन हैं, अपनी डिविनिटी से गुरु जी ने हमें सब सुख दिए हैं, हम सबको जोड़ा है, इसीलिए बस मेरे तो हाथ बंधे हैं गुरु जी के आगे कि शुक्राना ही करते रहो। गुरु जी से कोई मांग लो। गुरु जी के वचनों में भी आता है, गुरु जी यही कहते थे कि मनो मंगो नहीं, क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं हमसे ज्यादा गुरु जी को पता है। तो मैं भी संगत जी आप सब में शामिल होके गुरु जी के संपर्क संबंध में आके, मैं और मेरा परिवार, मैं अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली गिनती हूं कि अब मुझे भी लगता है कि सारा अमरीका ही मेरा परिवार है। यहाँ आए अश्विनी हांडा जी, और यहाँ की जो अपना प्रेसिडेंट है वो नाम नहीं मुझे पता, वो बहुत प्यार से मिली, और हर बंदा ही बहुत प्यार से मिलता है, ऐसे लगता है जैसे कोई अपना ही बिछड़ा हुआ मिल गया। संगत जी हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो, मुझे तो संगत जी बोलना भी नहीं आता, कोई लेक्चर नहीं देना आता,
जो मेरा अनुभव था मैंने आपसे शेयर कर लिया, गुरुजी का, सारी संगत का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।